तीखी मिर्च खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। भारत समेत एशिया के ज्यादातर खाने में तीखेपन के लिए लाल या ताजी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आप हरी मिर्च को खरीद कर लाते हैं, लेकिन अगर मेरी तरह आप भी अपने गार्डन से तोड़कर डेली फ्रेश हरी मिर्च किचन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप मिर्च के पौधों को छोटी सी जगह में अपने घर की बालकनी या टेरेस में भी लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से गमलों में भी मिर्च के पौधे उगा सकते हैं, कैसे इन पौधों की देखभाल की जाती है, किस तरह की मिट्टी और खाद इसे दी जाती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट ट्रिक जिससे आप पौधों में कई गुना ज्यादा मिर्च उगा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। सभी वेजिटेबल प्लांट्स में से मिर्च एक ऐसा सुपर इजी टू ग्रो प्लांट है जिसे वो लोग भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं जो गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसे उगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये 8-10 इंच के छोटे गमले में भी ढेर सारी मिर्च देता है। वैसे तो मिर्च के पौधे को साल भर किसी भी महीने में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे फरवरी मार्च, जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। मिर्च के बीज लगाने के लिए साल का सबसे बेस्ट टाइम 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक होता है। मिर्च के पौधे को आप बीज से भी उगा सकते हैं और नर्सरी से इसके छोटे सीडलिंग्स भी ला सकते हैं। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है और आज मैं मिर्च के बीज लगाने वाला हूं। आप अपने किचन में मौजूद इस तरह की ताजी पकी हुई मिर्च या सूखी खड़ी लाल मिर्च से बीज निकालकर इन्हें भी उगा सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए एग्रीकल्चर स्टोर से बेस्ट क्वालिटी की देसी मिर्च के बीज लाकर उगाइए। बीजों को सीधे मिट्टी में डालने की जगह सीडलिंग ट्रे या फ्लैट पॉट में सीडलिंग मिक्स भरकर उगाना चाहिए। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर हल्का गीला कर लीजिए। इस ट्रे नुमा पॉट में मैंने सीडलिंग मिक्स भर लिया है। सीडलिंग ट्रे में भी मैं सीडलिंग मिक्स भर देता हूं। अब बीजों को इसमें इवनली स्प्रिंकल कर दीजिए, इन्हें थोड़ा दबा दीजिए, मिट्टी की लेयर बनाकर बीजों को कवर कर दीजिए। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इस पर सुबह की 3-4 घंटे की धूप आती हो। इसमें पानी तभी देना है जब छूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो, वरना सीडलिंग्स गल जाएंगे। 10 दिनों बाद सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। बीस दिनों में पौधों पर 4-5 पत्तियां आ गई हैं। आप देख सकते हैं सीडलिंग्स एकदम हेल्दी हैं और गमले में ट्रांसप्लांट किए जाने को तैयार हैं। मिर्ची के पौधे को आप मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के गमले, सीमेंट के गमले या ग्रो बैग्स में भी उगा सकते हैं। 8 से लेकर 12 इंच तक के मीडियम साइज के गमले में एक पौधा लगाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पौधे में ज्यादा मिर्च भी आएंगी। एक ही गमले में बहुत सारे पौधे नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पौधे न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे और किसी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और मिर्च भी बहुत कम आएगी। मिर्च के पौधों को गमले में उगाने के लिए वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी की जरूरत होती है। इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और रेत। इसमें एक मुट्ठी नीमखली पाउडर भी मिला सकते हैं जो प्राकृतिक एंटी फंगल का काम करता है। इस 24 इंच चौड़े प्लास्टिक पॉट में मैंने मिट्टी भर ली है। अब मैं इसमें 2 पौधे लगा रहा हूं। सीडलिंग्स को किसी फॉक की मदद से इस तरह से निकालें कि इसकी रूट्स डैमेज न हो पाए। अब इन्हें 8 इंच की दूरी पर लगा दीजिए और इसमें पानी दीजिए। एक हफ्ते तक मैं इसे सेमी शेड एरिया में रखूंगा। इसके बाद इसे फुल सनलाइट में रखना है जहां इस पर दिन भर धूप आए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए मिर्च के पौधों को ज्यादा धूप की जरूरत होती है। अगर आप इन्हें छाया में उगाएंगे तो पौधे पर सिर्फ पत्तियां ही आएंगी, मिर्च बहुत कम आएंगी या ना के बराबर आएंगी।
पौधा अब 30 दिन का हो गया है। कुछ पौधों को मैंने 15 लीटर की इस ऑयल कैन में भी लगाया था। अब मैं इस पौधे की 2G कटिंग करने जा रहा हूँ, जिससे इसमें 4 गुना ज्यादा मिर्च आएंगी। ज्यादा पैदावार पाने के लिए मिर्च की खेती करने वाले किसान भी पौधों की 2G कटिंग करते हैं। जब पौधा लगभग 6 इंच ऊंचा हो जाए तो इसके ऊपर की स्ट्रिप को इस तरह से काट देते हैं। ऐसा करने से आसपास से नई साइड ब्रांचेस निकल आएंगी, जो होंगी 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन ब्रांचेस, और इन्हीं 2G ब्रांचेस में भर भर के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। इससे पौधा लंबा होने की जगह ज्यादा चौड़ा और घना होता है, और ज्यादा ब्रांचेस का मतलब है ज्यादा मिर्चियां। 36 दिनों बाद आप देख सकते हैं कटिंग के नीचे की हर एक लीफ नोट से नई ब्रांचेस निकल आई हैं। मिर्च का हमारा पौधा अब 1.5 महीने का हो गया है। आप देख सकते हैं 2G ब्रांचेस की ग्रोथ जबरदस्त हो गई है और पौधा घना भी हो गया है। पौधे के नीचे से लेकर 2-3 इंच ऊपर तक जो भी साइड ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें सकर्स कहते हैं, क्योंकि इनमें फल नहीं आते, ये सिर्फ प्लांट का न्यूट्रिशन वेस्ट करती हैं, इसलिए इन सकर्स को तोड़ देते हैं। दोस्तों, अराउंड 2 महीने बाद मिर्च के पौधे फूलों और कलियों से भर गए हैं। मिर्च के फूल सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, हवा चलने पर या कंपन से इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। मेरे गार्डन में मधुमक्खियां, तितलियां और भंवरे आकर भी फूलों को पॉलिनेट करते हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। फूल आने के दौरान मीडियम साइज के गमले में 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर पौधे को फर्टिलाइज करना चाहिए। इससे पौधे को सही न्यूट्रिशन मिलेगा और लगभग हर एक फूल फल में बदल जाएगा। व्यूअर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि उनके मिर्च के पौधे में फूल तो बहुत आते हैं पर झड़ जाते हैं। इसका कारण होता है ओवर वाटरिंग या न्यूट्रिशन की कमी। पौधे की जड़ों में ज्यादा मॉइस्चर होने के कारण पौधा अपने फूलों को गिरा देता है, इसलिए फूल आना शुरू होते ही पानी तभी देना चाहिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो या पत्ते हल्के हल्के मुरझाते हुए दिखाई दें। मिर्च के पौधे अब 78 दिनों के हो चुके हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक ब्रांच मिर्च से लदी हुई दिख रही है। आमतौर पर गमले में उगाए गए मिर्च के पौधों में इतनी सारी मिर्च नहीं आती, लेकिन इस पौधे में ये शानदार रिजल्ट मिला है सही मौसम में उगाने, सही मिट्टी, सही देखभाल और 2G कटिंग के कारण। और अब समय है मिर्चों को हार्वेस्ट करने का। मिर्च के पौधे पर ज्यादा दिनों तक यदि आप मिर्च को लगे रहने देंगे तो ये पककर लाल होने लगेंगी। आप जितनी मिर्च हार्वेस्ट करेंगे पौधे में उतनी ही नई नई मिर्च आएंगी। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक पौधा है और एक बार में इस पर 100 से 150 ग्राम मिर्च हार्वेस्ट हो जाती है। इस तरह से मैं इस पर 7-8 बार हार्वेस्टिंग कर सकता हूँ। ये पौधा अगले 2-3 महीनों तक इसी तरह लगातार नॉन स्टॉप मिर्चियां देता रहेगा। फ्रूटिंग बंद हो जाने के बाद अगर आप इस पौधे की सही तरह से देखभाल करें तो अगले फ्रूटिंग सीजन में भी ये पौधा दोबारा मिर्च देने लगेगा। हालांकि ये फ्रूटिंग पिछले सीजन के कंपैरिजन में कम होगी। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मिर्च के पौधों को टाइम टू टाइम खाद देने की जरूरत होती है। मिर्च के लिए ऑर्गेनिक खाद बेस्ट होती है। हर 15 दिन में एक बार मीडियम साइज के गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट डालकर मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर लेना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए 1 लीटर पानी में 10 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड डालकर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें, और इसी लिक्विड को एक ग्लास भरकर मिट्टी में भी डालें। सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड आपको किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर या amazon.com पर भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, मिर्च के पौधे में आमतौर पर एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज या मिलीबग्स नाम के कीड़े लगने की संभावना होती है। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए सीडलिंग स्टेज से ही 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर महीने में 2 बार पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए। जहरीले केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए। मिर्च के पौधे में सबसे कॉमन बीमारी होती है लीफ कर्ल या मरोड़िया रोग। लीफ कर्ल बीमारी से पत्तियां इस तरह से मुड़ने लगती हैं और नई पत्तियां भी आते ही सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे शूट्स भी इस तरह से सूखकर जल जाते हैं। ये होता है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज नाम के छोटे इंसेक्ट्स की वजह से। ये इंसेक्ट्स लीफ कर्ल वायरस के कैरियर होते हैं, जो नई पत्तियों पर लगकर इनका रस चूस लेते हैं। बीमारी की शुरुआत होते ही
पौधे के ट्रीटमेंट के लिए सभी ब्लाइंड शूट्स और पत्तियों को काटकर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब आपको चाहिए थीटा बायो इंसेक्टिसाइड, ये ऑर्गेनिक कीटनाशक होता है, ये किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर या अमेजोन पर भी मिल जाएगा। 1 लीटर पानी में 1.5 ml थीटा बायो इंसेक्टिसाइड मिलाइए और इसे हर 10 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए। अगर पौधे में इन्फेक्शन इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाए तो किसी ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा। इन्फेक्टेड पौधे में मिर्च नहीं आएगी, इसलिए ऐसे पौधे को उखाड़कर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने किचन की जरूरत की ताजी हरी मिर्च छोटी सी जगह में भी आसानी से उगाकर ढेर सारी मिर्च पा सकते हैं। अपनी गार्डनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर अगर आप मुझसे डायरेक्टली चैट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।